नहीं, मैं इसे खुले में पढ़ता रहा हूं, खड़े होकर नहीं, बैठ के पढ़ा है। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो ऐसी जगह पर पढ़िए जो खुली हो, और तन्हाई में पढ़िए इसे। लेकिन इसके पढ़ने में मैं एक अर्ज कर दूं कि बहुत तेजी के साथ हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, जो दुरुस्त नहीं है। तर्तील से पढ़ना चाहिए, जैसे रब ताला ने हुक्म दिया है। कोशिश कर लीजिए खुली फिजा में पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ सकते तो बंद कमरे में पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, इसके बहुत से फायदे आएंगे इंशाअल्लाह। सूरह तगाबुन नमाज मुकम्मल करने के बाद सूरह तगाबुन पढ़ लीजिए, फिर कुरान पाक की तलावत कर लें। सूरह तगाबुन के बारे में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि बात किए बगैर आप सो जाएं, लेट जाएं। वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और सूरह फातिहा के बारे में मैं अर्ज किया था कि अगर ईशा के बाद हम उसको पढ़ते हैं, अगर किसी शख्स को वो टाइम सूट करता है, तो फिर अफजल ये है कि हम किसी से बात न करें, उसी तरह सो जाएं, थोड़ी देर सो जाएं, उसके बाद जागकर फिर बेशक हम बातचीत कर लें।